वेलकम टू माई न्यू अनदर स्टोरी ब्लॉग्स। टुडे डिस्कस ओडिया मथुरा मंगल काव्य जार यही काव्यर रचयिता होती आम भक्त कवि भक्तचरण दास। भक्त कवि भक्तचरण दास से समय खोर्धा जिला सानपदर ग्राम से जन्मग्रहण करते 1739 ख्रीष्टाब्दे से वैष्णव धर्म दीक्षित थी। पूर्व से यही भक्त चरण दास पिला दिन नथिला से आराध्य देवता वृंदावन चंद्र को पूजा करी से मोक्ष प्राप्ति हेबा पर से नाम को परिवर्तन करी से बैरागी चरण दास बैरागी चरण पटनायक रु से भक्त चरण दास भावे परिचित हेले। से गौड़ीय वैष्णव धर्म अनुसरण करते गौड़ीय वैष्णव कहले गौड़ वर्तमान पश्चिम बंग से समय पश्चिम बंग हो गौड़ राज्य बोली कहला। से समय गौड़ वैष्णव धर्म बहुत मात्रा सारा भारत प्रचलित थिला। से ठारु ही आमर नदिया आसला गौड़ीय वैष्णव श्रीकृष्ण नदिया सारा भारत प्रचार और प्रसार लाभ कर गौड़ीय वैष्णव धर्म। बर्तमान ओडिशा रे घरे घरे सुप्रचलित एवं लोकप्रिय नदिया नदिया वाद्यजंत्र सेटा कौन सी गोटे ना कह ना से बंगर एक नदिया नामक ग्राम उत्पत्ति लाभ कर लोकवाद्य लोकनृत्य को नदिया बोली कह जाए। से भारत से भक्तचरण दास पद द्वारा से भारत विभिन्न स्थान विभिन्न मठ विभिन्न धर्म केन्द्र को परिभ्रमण करते पाद द्वारा चार चार पद ब्रज द्वारा से विभिन्न स्थान को परिभ्रमण करते से चारोटी मठ मध्य स्थापना करते जहाँ से आम खोर्धा बाणपुर दशपल्ला यहीपर भाव भक्त चारोटी मठ रही। से रणपुर ठारे जीवन प्राय समय से अतिवाहित करते रणपुर को रणपुर सुनाखोलाटार से जीवन अधिकांश समय को अतिवाहित करते। भक्तचरण प्रथम दशपल्लार गौड़पाटना ठारे मठ करी आराध्या देवता श्री वृंदावन चंद्र को पूजा करते किंतु घटनाक्रमे राजा अप्रीतिभाजन होता और राजकर्मचारीगण इष्ट देवी को नदी को निक्षेप करते से बाध्य दशपल्ला राज्य को परित्याग को सुनाखोला चली आसते। वर्तमान सुनाखोला एक स्वतंत्र जिला सुनाखोला वर्तमान गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करी जहाँ वर्तमान नयगढ़ जिला अंतर्गत। से स्वप्नाविष्ट व्यस्त हो नदी गर्भर तर आराध्य देवता श्री वृंदावन चंद्र को फेरी पाई सुनाखोला ठारे ही से मठ स्थापन करते। कवि दैवशास्त्र असाधारण क्षमता दक्षता है से दुई खंड वैद्यशास्त्र रचना करते। से वैद्यशास्त्र कौन थी से मंत्र शिक्षार श्रीकृष्ण चैतन्य द्वैत रूप ग्रहण कर विभिन्न उपमा छल नाना रोग चिकित्सा और औषधर अवतारण कर भक्तचरण सुनाखोला समय मथुरा मंगल काव्य रचना करते। कौ समय मथुरा मंगल काव्य रचना करते ना से सुनाखोला समय से मथुरा मंगल काव्य रचना कर लोकमुखर शुणा जाए से 84 वर्ष पर्यंत जीवित थे। देहत्याग करवा 8 दिन पूर्व से सुनाखोला निवासी दामोदर आचार्य प्रभृति सहित संकीर्तन करी पुरीर बासुड़ी साहिरे अवस्थापन करते। मधुमंगल रचयिता किए मधुमंगल रचयिता दुखी दुखी श्याम दास
ଏବଂ ସେହି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କ ମଠଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ 1813 ସାଲ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସାହେବ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଗୋପମଙ୍ଗଳ ମନଶିକ୍ଷା ଏହି ତିନି ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଓ ମନଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚୌତିଶା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ମନବଧ ଚୌତିଶା ଚୌତିଶା ଏହି ମନଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ଅତି କଠିନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତାକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନବାକ୍ଷର ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଅଛନ୍ତି ବା ପରିବେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି ମନଃଶିକ୍ଷାର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଗଦାଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ ମହିମା ଗାନରେ ବିଶେଷ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଅଛି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର କାବ୍ୟସାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ।